नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचिन में गेमर में। पता है वीडियो आजकल नहीं आ रही, बीजीएमआई बैन हो चुका है तो कोई दूसरा गेम ढूंढना तो पड़ेगा। अब मेरे को ये न्यू स्टेट मोबाइल मिला, एपेक्स तो चलता नहीं है, सीओडी कोई खेलता नहीं है, और ये तो दोनों ही है भाई, ये चलता भी नहीं है और कोई इसको खेलता भी नहीं है, लेकिन मैं खेल रहा हूँ हम वीडियो डालने के लिए। तो इसके अंदर एक नया मोड आया था, पुरानी क्लिप है डालने को मिले नहीं, थोड़ी काम भी होते थे तो उसके चक्कर में डालने को मिले नहीं। तो ये बाउंटी रॉयल नाम का इसका ये कोई मोड था अकिंता मैप पे, बड़ा अच्छा था भाई। तो उसकी क्लिप है सोलो वर्सेस स्क्वाड, मैच मेकिंग का सिस्टम घटिया, मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड लगाई नहीं थी, मैंने स्क्वाड मैच लगाई थी, टीममेट मिले नहीं। इसका एक बात अच्छी है, इसमें आपको सारे के सारे रियल बंदे ही मिलेंगे। अब इसमें आपको पहले से गन मिल जाती है, एक रैंडम असॉल्ट राइफल, एक रैंडम स्नाइपर और एक रैंडम ये पिस्टल। तो सामने एक बंदा था, बंदा ही होगा इसके अंदर, बॉट नहीं मिलता। तो एक घर के अंदर चिपके बैठा था, एक मेरे को पीछे से मार रहा था और एक सामने से, तो मैंने इसको मारा और इसका टीममेट जो पीछे से आ रहा था उसको भी मारा। अब मैं इनको लूटने के लिए बैठा ही था कि यार, और मेरे कंट्रोल सेट नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए कभी कभार रीलोडिंग के चक्कर में ये ग्रेनेड का ऑप्शन हाथ में आ जाता है। अब ये कोई तीसरा बंदा मेरे को मार रहा था, इन्हीं की टीम का था कि क्या पता नहीं, आई थिंक नहीं होगा यार इन्हीं की टीम का। तो मैं बाहर आया, बाहर जाने की कोशिश, लेकिन इसमें यार पता नहीं क्यों कूदा ही नहीं जाता। गाड़ी से उतरोगे तो आपका बंदा फ्रीज हो जाएगा, मतलब अगर एनिमी के सामने गाड़ी से उतर के मारने की कोशिश करोगे ख़त्म। मैं सोचा इसको रिक्रूट करूँगा, लेकिन रिक्रूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला है अभी कि नया अपडेट आया है, सुबह मैंने चालू किया अपडेट करके, तो बोल रहा है कि भाई आप बाद में आइए, कल आइए, क्योंकि गेम का मेंटेनेंस चल रहा है। एक बंदा आया, मैंने उसको लॉबी भेज दिया, तू भी भाई जाके कल ही आ जा। क्राफ्टन वाले सच में यार टेंसेंट वाले चोर बन चुके हैं, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी बननी पड़ी। सच में भाई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो हमसे, मतलब प्राइवेसी पॉलिसी में हमको हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। वो थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ शेयर कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ हाँ कर रहे हैं शायद, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने देखा है थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ शेयर नहीं कर रही, ऐसा बोला तो है, लेकिन इनका क्या भरोसा। पबजी के हम बीजीएमआई पबजी के नाम पे दे दिया हमको, सॉरी पबजी बीजीएमआई के नाम पे दे दिया और बीजीएमआई बैन हो गया, लगता है ये भी बैन हो जाएगा। अच्छा है, आज होने दो, वैसे भी इस गेम को कोई खेलने वाला है नहीं, और इसमें भाई ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, सर्वर का ढंग से काम करते हैं नहीं, और बार बार मेंटेनेंस के वजह से मेंटेनेंस वगैरह, इसकी फिजिक्स भी सच में यार बड़ी बेकार लगती है इसकी फिजिक्स। पबजी मोबाइल की तो फिजिक्स अच्छी लगती है अपने बीजीएमआई की। तो सामने एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था, गाड़ी का मतलब मेरे को फुटप्रिंट दिखे, तो मैंने सीधा उसको गन से चैलेंज कर दिया, हाँ हिम्मत है तो मार, मेरे को मार, हिम्मत है तो मार। और वो मारने आता भी है बंदा, लेकिन मारने की जगह खुद मर जाता है। उसको लगा होगा कि मैं बॉट हूँ, लेकिन मैं बॉट नहीं, बंदा हूँ, इसको पता नहीं क्या। और ये जो आपको बॉक्स में मेरे हेलमेट के ऊपर जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, और उस बॉक्स के ऊपर जो आंकड़े दिख रहे हैं, कभी 100 हो रहे हैं कभी 0 हो रहे हैं, वो असल में मेरा प्रोटेक्शन कह सकते हो। और इसमें यार रेंगने की आवाज़ चलने जैसी क्यों हो रही है भाई, वो चल थोड़ी रहा है, बंदा रेंग रहा है, और इसका टीममेट बाइक भगा के गया, क्या बाइक भगा के गया भाई, दिखाई नहीं बंदा। अब मैं तो यार डर गया कि क्या पता, क्योंकि क्या करते हैं बंदे, कहीं पे जाके छुपेंगे, तुम्हारे ऊपर एंगल ढूंढेंगे और तुमको धो देंगे। अब मैं सोलो, मेरे को कोई मतलब उसको मारना है, मुझसे लड़ना है तो आए, वरना भाड़ में जाए। तो मैं इसकी पेटी लूट के यहाँ से निकल गया। अब निकल के दूसरी जगह जा रहा होता हूँ, मेरे पे सीधा फायर, एग्जिट का बटन दबाने के बाद मैंने जॉयस्टिक घुमाई लेकिन चला नहीं। मैं बाहर आके ढूंढने लग जाता हूँ कहाँ पर है, लेकिन यार मेरी बैंड बच जाती है। अब ये बंदा था जो मेरे को मार रहा था, और गधा मेरे ही मुँह के सामने आता है, वाह, मार खाने के लिए मेरे ही मुँह के सामने आ रहा है, शायद बंदा ही है, ये बॉट नहीं है, ठीक है ना, बॉट बिल्कुल भी नहीं है होते, इस बाउंटी रॉयल में बॉट बिल्कुल भी नहीं थे।
अब मैंने यहाँ पर हिल किया भाई, और एक स्क्वाड मेरे पीछे लग गई थी। मेरे को लगा यार सेफ जगह उतरूँगा तो उनसे लड़ लूँगा। और ये पानी देख लो भैया। नहीं क्या हुआ क्या भाई, अंधेरा इतना हो गया कि पानी भी काला हो गया। लगता है ये न्यू स्टेट वालों को काला पानी की सज़ा मिली है, या फिर कोई भाग के गया इस पुल में। कौन गया बे, कौन ये पुल गंदा किया? पता नहीं यार क्या चल रहा है। इतना रियलिस्टिक गेम के अंदर पानी इतना अनरियलिस्टिक भाई, कैसे यार कैसे? थोड़ा नीला तो दिखा देते यार, या ऐसा लग रहा था कि कोई टट्टी करके गया है। नहीं सच में यार गेम ही बकवास है, बस पैसे निकालने के लिए गेम बना है। इसमें आपको हेलमेट के लेवल 1 के हेलमेट की अलग स्किन, लेवल 2 के हेलमेट की अलग स्किन, लेवल 3 के भी हेलमेट की अलग स्किन, मतलब हर एक चीज़ की अलग स्किन। और ये कैंपरों के लिए अच्छी खासी जगह, आप यहाँ पर आके जो है लेट सकते हैं। और ये जो बक्से डाले, इन बक्सों में कुछ है नहीं। मेरे को लगा स्क्वाड वाले बंदे आएंगे, लेकिन वो शायद मुझसे डर के भाग गए, क्योंकि मैं हुई इतना अल्ट्रा प्रो यार। तो इधर सामने कहीं पर मेरे पे मतलब फिर से हमला, और हमलावर भैया मैं उसके ऊपर रश करने गया। भाई साहब जी देखो दिमाग देखो इसका, ये घूम के गया और ट्रेन में चढ़ गया। अबे रुक जा भाई, मेरी ट्रेन छूट गई है भाई, लगता है इस बंदे की ट्रेन छूट गई इसलिए भाग गया ये। मेरे को भी ट्रेन में ले लेता तो मैं सामने आया। इधर एक बंदा था, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो भागते हुए चला गया। मैंने सीधा स्नाइपर निकाली, और BGMI में तो स्नाइपर मेरी चलती है नहीं। और इधर चला रहा हूँ, और ये जो पीला पीला धुआं वाला बक्सा दिख रहा है ना, उसको एयर ड्रॉप मत समझना। उसके अंदर अच्छी खासी कोई गन वन मिलेगी नहीं, उसमें बस कॉइन है। और इस कॉइन से सोचोगे कि भाई मैं तो अच्छी अच्छी गन खरीदूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इस कॉइन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बस 100 कॉइन्स की एंट्री फ़ी देनी पड़ती है इस गेम को। मतलब इधर भी हमको लूटते हैं, ये मोड खेलने के लिए आपको 100 कॉइन्स की एंट्री फ़ी देनी होती थी, और उस 100 कॉइन्स कमाने के लिए ऐसे बंदों को मारना पड़ता था। अब ये मोड चला गया कि नहीं मालूम नहीं, मैंने गेम को ऑन नहीं किया, गेम को अपडेट करने के चक्कर में नेट आधा गया। तो इधर अभी इस बंदे को मैंने नॉक किया, और उसका दूसरा बंदा उधर TP पे लेके बैठा है। ये देखो बंदा पीछे से आया, ध्यान ही नहीं, फुटस्टेप ढंग से आते नहीं है। और तीसरा बंदा मेरे पे मेरे को मारने आया, तो मैंने उसको मार दिया। अब इनकी पेटी मैंने सीधा आराम से बैठ के इनकी पेटी लूटी मैंने। और इसमें अपग्रेड किट, मतलब यार पबजी की जेरोक्स कॉपी बने, पबजी पीसी की जेरोक्स कॉपी है ये। फिजिक्स भी बदलने की कष्ट नहीं उठाए उन्होंने। मेरे को यार सच में लग रहा है पबजी मोबाइल को ना क्राफ्टन का बस नाम है, बनाया उसको पूरा टेंशन नहीं है, बनाया उसको टेंशन नहीं। और ना यार क्राफ्टन ने ऐसा गेम बनाया भाई, इसके ग्राफिक्स की मैं बात नहीं करूँगा, ग्राफिक्स अच्छे हैं, मैं बुरे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स क्या है भाई। गाड़ी कभी रुकती नहीं है, बंदे का कुछ अलग ही मूवमेंट वगैरह चल रहा है, लैंडिंग तो बेकार ही है भाई। लैंडिंग सच में यार बहुत ज़्यादा बेकार है इसकी, मैं कभी कभार सोच नहीं पाता कि भाई कहाँ से निकलूँ मैं। अब ये बंदा उधर पीछे TP पे लेके बैठा था, मैंने सीधा इसके मुँह पे गैस ग्रेनेड फेंक के मारा। गैस ग्रेनेड से वैसे क्या होता है, वो मरता है, उसको हेल्थ जाती है कि नहीं मालूम नहीं, बस फेंक दिया और आगे गया। तो बंदा इधर बैठा है, क्या कर रहे हो भाई? मेरे को लगा यार इसने वो ड्रॉप नहीं खोला होगा, लेकिन ये ड्रॉप खोल के उसके कॉइन्स लूट चुका। गाड़ी लेके चला गया, इधर दो घर थे, मेरे को लगा इधर घर में आश्रय ले लूँगा बंदों से बचने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था घर में ही बंदे चिपके बैठे हैं भाई। और तीन बंदे थे जिनमें से एक ये था, दूसरा मेरे को लगा शायद इसी के साथ होगा, लेकिन दूसरा तो कहीं और ही था। तो ये भाई साहब जी नेट फेंकते हैं, नेट फूटा, मैंने इसको मारने की कोशिश की, ये बाहर आके मुझे मारता है। मैंने इसको लॉक किया, ये छुप गया, और लेकिन मैं अंदर घुस के मार दिया। अब मैं इधर हील करने बैठा तो कोई पीछे से आके मार गया। भाई क्या यार ऐसे पीछे से मारते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी दूसरे गेम के मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।